नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित लगभग 1.26 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल ने फिनिश टेलीकॉम गियर निर्माता नोकिया से सहयोग से अहमदाबाद में कौशल्यद स्किल यूनिवर्सिटी परिसर में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। नियमित शिक्षक को वेतन नहीं दिए जाने के मामले में उन पर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगा है। न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। इसके बाद के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी रखते हैं और इसके बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय सरकारी युवाओं को भारतीय भाषाओं में फ्री AI ट्रेनिंग देने जा रही है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडिया 2.0 प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक फ्री ऑनलाइन AI ट्रेनिंग कोर्स का ऐलान किया है, जिसके तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा। इस कोर्स को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद और IIT मद्रास से मान्यता प्राप्त है। कोर्स के तहत AI के बुनियादी सिद्धांतों, AI एप्लीकेशन और AI एथिक्स को शामिल किया गया है। यह ट्रेनिंग 9 भाषाओं में उपलब्ध है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त पोषण एक चुनौती बना हुआ है और इसलिए ऐसे विकल्प पेश करना जरूरी है जो लागत को समायोजित करने में मदद कर सके तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की लागत के बराबर ला सके। CII ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही है। OMI के सहयोग से तैयार की गई यह रिपोर्ट रोड मैप फॉर फ्यूचर मोबिलिटी 2030 कई रिपोर्ट की श्रृंखला का एक हिस्सा है। बच्चों के लिए HIV या एड्स किसी अभिशाप से कम नहीं है। इससे हर दिन औसतन 274 बच्चों की जान जा रही है। इतना ही नहीं, हर दिन 740 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट द पाथ डेथ एंड्स एड्स में सामने आई है। HIV की वजह से 2022 में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की जान गई थी। इनमें से 73,000 बच्चों ने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की थी। इसके बाद चंद दिन बाद ही 105 कलाकृतियों को न्यूयॉर्क में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया। ये 105 पुरावशेष यानी कलाकृतियां 2री-3री शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी तक के है, जो भारत के ऐतिहासिक धरोहर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियों में उफान है। आधे दर्जन से अधिक नदियां कहर बरपा रही हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वोत्तर बिहार में भी स्थिति गंभीर है। जल संसाधन विभाग ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को सतत चौकसी बरतने को कहा है। कोसी, बागमती, महानंदा, कनकई, परमान और घोघा नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर पहुँच गई हैं। इसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में कमला और अधवारा समूह की नदियाँ भी लाल निशान को पार कर जाएंगी। समुद्र के रास्ते यात्री परिवहन पर समझौता भारत श्रीलंका संयुक्त समिति ने 14 जुलाई को एक आभासी बैठक में की है। यह जानकारी कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने दी। आयोग ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों को नेतृत्व क्रमशः भारत सरकार के बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राजेश कुमार सिन्हा और श्रीलंका सरकार के बंदरगाह जहाज रानी और विमानन मंत्रालय के सचिव KDS रुवन चंद्र ने किया। अगर आपकी जमा पूंजी भी सहारा इंडिया ग्रुप्स में फंसी हुई है तो यह खबर आपके काम की खबर है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह यानी मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशक को उनका पैसा वापस पाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। खबर टेक जगत से जुड़ी हुई है, जहां भारत सरकार ने AI टूल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 के एक नए ड्राफ्ट के मद्देनजर AI कंपनियां पब्लिकली उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल अपने चैटबॉट को बेहतर बनाने के लिए नहीं कर पाएंगी। अगर ये नया ड्राफ्ट इस मानसून सत्र में पास हो जाता है तो फिर ये कानून में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा रेप्टाइल बैंक भारत से घड़ियाल और मगरमच्छ आयात करना चाहता है। इनमें इस संदर्भ में संघीय सरकार को आवेदन किया गया है। बैंक का तर्क है कि इससे इन लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम के तहत सोमवार को जारी एक संघीय सूचना के अनुसार एरिजोना स्थित रेप्टाइल बैंक फिनिक्स हार्पेटोलॉजिकल सोसाइटी दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से 6 घड़ियाल और इतने ही संख्या में मगरमच्छ आयात करना चाहता है। इसके लिए इसने संयुक्त राज्य संघीय एजेंसी अमेरिकी मत्स्य और वन्य जीव सेवा विभाग से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया है। संघीय सरकार ने इस संबंध में सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी। इसरो ने बीते शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित हरीश धवन सेंटर से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजे जाने के 3 दिन बाद
ऑस्ट्रेलिया के ज्यूडियन खाड़ी के पास समुद्र के किनारे एक रहस्यमय वस्तु मिली है, जिसको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन का एक टुकड़ा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर मिले इस रहस्यमय विशालकाय टुकड़े ने जहां ऑस्ट्रेलिया पुलिस की नींद उड़ा दी है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी समुद्र तट पर मिले इस किसी धातु से बनी 2 मीटर बेलनाकार वस्तु जिस पर कई तार लटक रहे हैं, वो क्या है इसकी जाँच करना शुरू कर चुका है। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया है कि 71 वर्ष से जुड़ी अधिक उम्र के लोगों में दिखाई ना देने की समस्या डिमेंशिया के जोखिम का संकेत हो सकता है। शोधकर्ताओं का यह निष्कर्ष अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नेत्र विज्ञान जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए लगभग 3,000 अमेरिकी नागरिकों के डेटा का विश्लेषण किया था। उन्होंने प्रतिभागियों के दृष्टि का परीक्षण कर स्कोर दर्ज किए। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों को देखने में दिक्कत थी, उन्हें उन लोगों की अपेक्षा जिन्हें देखने में कोई समस्या नहीं थी, डिमेंशिया का खतरा अधिक था। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यूपी के एथनॉल से केवल गाड़ी ही नहीं बल्कि आने वाले समय में दुनिया में हवाई जहाज के एविएशन फ्यूल में इसका उपयोग होगा। इंडियन ऑयल इसका प्लांट डाल रहा है, अब किसान अन्नदाता ही नहीं ऊर्जा दाता भी बनेगा। आगे उन्होंने कहा कि एथनॉल मेथनॉल बायो सीएनजी हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील को मंजूर कर लिया है। इस मामले में अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी को 2 जुलाई की सजा को बरकरार रखा था। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सांस सदी चली गई थी। सेंट्रल रेलवे ने करीब 3 साल में 1500 से ज़्यादा शवों को अपनों तक पहुंचाया है। मार्च 2020 में जून 2023 के बीच मध्य रेलवे ने 1540 शवों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया। रेलवे की ओर से कहा गया है कि उसने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपने 4 डिवीज़नों से ये काम किया है। सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी हुई प्रेस रिलीज में बताया गया कि मुंबई डिवीजन ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 131 शवों को पहुंचाया, जबकि 2022-23 के दौरान सबसे अधिक 731 शवों को परिवहन किया गया है। इसके बाद 2021-22 में 432 और 2020-21 में 193 शवों को ट्रांसपोर्टेशन किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच के लिए नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। थरूर ने G20 को चर्चा का विषय बनाने में मोदी सरकार की सफलता की भी तारीफ की है, लेकिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से पूरे देश की चीनी नीति पर चिंता व्यक्त की है। सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, जिसमें 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला है। सीमा हैदर सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। इसमें भारत की खबरों के लिए सीमा ने ANI को फॉलो कर रखा था। बाकी फॉलोअर्स में ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े इंस्टा अकाउंट थे, जिसमें सीमा बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े अकाउंट को फॉलो करती थी। एक तरफ देश भर की विपक्षी पार्टियां तीसरी बार मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं बीजेपी भी एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष के लोग जितनी चाहे उतनी मीटिंग कर ले, लेकिन बावजूद इसके वह आगामी चुनाव में मोदी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनके बराबर का करिश्मा किसी के पास नहीं है। अपने प्रेमी से मिलने के लिए अवैध रूप से पाकिस्तान से सीमा पार करने वाली सीमा गुलाम हैदर से उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सीमा मीना और उनके पिता नेत्रपाल सिंह के साथ लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की है। इससे एक दिन पहले UPATS ने लखनऊ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक संदिग्ध एजेंट को पड़ोसी देश में अपने आकाओं को रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीमा हैदर के मुख्य रूप से उसके भारतीय प्रेमी के साथ रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से ATS यह भी जानने की कोशिश की कि वह आखिरकार बिना पासपोर्ट के नोएडा पहुंचने में कामयाब कैसे रही। जम्मू कश्मीर के पूंछ के सिंदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराए। ऑपरेशन में मारे गए सभी आतंकवादी विदेशी हैं। सोमवार रात करीब 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार सुबह तक चली। 9 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। भारतीय सेना के विशेष बल राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। इंडियन आर्मी ने बताया, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत पूंछ इलाके में घेराबंदी के बाद तलाशी अभियान चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस दौरान विपक्षी एकता पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एक ही विचारधारा और एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी की दिलचस्पी प्रधानमंत्री की कुर्सी में नहीं बल्कि भारत के विचार, संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की रक्षा में है। 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच बनाने के प्रयास के तहत विपक्षी दलों की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि राज्य स्तर पर उनके बीच मतभेद है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए मतभेदों को दूर रखा जा सकता है। रेलवे स्टेशन के लिए वेटिंग हॉल में घंटों बैठकर ट्रेन के इंतजार करने वालों के लिए एक आवश्यक सूचना है। रेल प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के स्लीपर वेटिंग हॉल को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। 28 अगस्त को रेलवे पूरी तरह से इसे प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर कर देगी। अब स्लीपर वेटिंग हॉल में घंटे के हिसाब से चार्ज देना होगा। वैसे रेलवे में 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज अस्थायी है। इस मीटिंग हॉल में कैंटीन भी होगी ताकि आम यात्री चाय पान भी कर सकें। पहली बार रेलवे ने वेटिंग हॉल प्राइवेट कंपनी में देने का फैसला किया। अभी तक वेटिंग हॉल का संचालन रेलवे करता था और इसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ता था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई में नया विपक्षी मोर्चा बना है। आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक के दौरान गठबंधन के नाम पर मुहर लगाई है। अब तक समझा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन का नाम UPA ही रह सकता है। हालांकि दोपहर 3 बजते साफ हो गया कि NDA के सामने अगले चुनाव में इंडिया लड़ेगा। जी हाँ, आई से इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस होगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली की अदालत में पेश हुए। महिला कुश्ती खिलाड़ियों की यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिली। अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। कैसरगंज सांसद की नियमित जमानत पर बहस बुधवार को होगा। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने समन जारी कर दोनों आरोपियों को 18 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मंगलवार को STSC युवाओं ने पूरी तरह से नग्न होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई करने की मांग करते हुए विरोध भी जताया है। प्रदर्शनकारी नग्न होकर विधानसभा घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी ओ माई गॉड 2 पर महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है। फिल्म का टीजर 11 जुलाई को रिलीज हुआ। इसमें अक्षय कुमार लंबी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। सेंसर बोर्ड ने रिलीज पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड अंतिम निर्णय करेगा। SDM ज्योति मौर्य का मामला इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चा में है। इसको लेकर हर कोई बात कर रहा है। तो कुछ लोग ज्योति मौर्य को लेकर गाने बना रहे हैं, तो कोई जोक, तो कोई मीम्स बना रहा है। पर अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने कहा है कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे जिन्होंने उसके चरित्र हनन की कोशिश की है। NCP प्रमुख शरद पवार ने बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि सब मिलकर BJP को हराएंगे। इससे पहले शरद पवार पटना में भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे। वहां भी उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर दिया था। पटना में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से गठबंधन का हवाला देते हुए कहा था कि दोनों दलों की विचारधारा अलग अलग थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े लेकिन बाद में मिलकर सरकार बनाई। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, अमन कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज के विपक्षी एकता की बैठक कितनी सफल हो पाएगी? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।